नाबालिग बेटी को न्याय दिलाने के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं मृतका आलिशा के माता पिता। जनपद उद्धम सिंह नगर की मित्र पुलिस की एक और बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ रुद्रपुर की रेशम कॉलोनी में बीती 23 जून को आलिशा की लाश उसकी घर में कुंडे से लटकी पाई गई थी। इस घटना में पीड़ित परिवार के अफजल पुत्र अयूब के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मेरा नाम नन्नी। नन्नी, हाँ, क्या हुआ था उस दिन? जो पूरा मामला है, क्या मामला हुआ था? मामला क्या, मैं तो ठेली पे थी, मेरी बेटी दोनों यहाँ थी। वो मेरी बेटी 3:30 बजे मुझे खाना देने गई थी, और जब वो थोड़ी देर में आके देखती है तो मेरी बेटी जाकर घबरा के यहाँ से देख के गई। वो बोली अम्मी अलीसा के पैर लटक रहे होंगे। मैं जो थी मैं भाग के आई, जब मैंने गेट तोड़वाया तो मेरी बेटी फांसी पे लटक हुई थी, और पीछे से मेरी बड़ी बेटी आई तो मैं तो उतारने में लगी थी। जब मैं उतार रही, मैं उधर को, मेरा उधर को मुंह था, मेरी बेटी जैसे गेट पे आई वैसी वो दो लड़के निकल के भागे। एक को मेरी बेटी ने पहचान लिया और दूसरे को नहीं देख पाई। उसका नाम अफजल, हाँ, कहाँ का रहने वाला है? वो खेड़े का रहने वाला है, होटल का। बाप का नाम बताओ। बाप का नाम है अयूब उर्फ गुड्डू, हाँ। दादा का नाम मोहम्मद जान। क्या करता है वो? नशा करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, चोरी करता है। उसने मुझे कई बार धमकाया था, उसने मुझसे कई बार पैसे भी लेने की कोशिश करी मगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए। अच्छा, आपने एक मामला बताया कि आपके घर में जो आपने मकान बनाने की पैसा जोड़ा था। पैसा रखा था मैंने, वो पैसा ही उसने निकाला था और पैसा भी निकाल के ले गया। मेरी बेटी को भी मार दिया उसने। कितना पैसा था? मेरा पैसा कम से कम 6-7 लाख रुपया था घर में मेरे, वो भी ले गया लूट के। पुलिस ने मेरी कोई कार्रवाई नहीं करी। मैं सब जगह हो आई, सबने यही मुझे दिलासा दिया, इंसाफ मेरे साथ किसी ने नहीं करा। सबने पैसा खा के बैठ गए और मेरी बेटी को कसूरवार ठहरा दिया और उसको रिहा कर दिया। पुलिस का कहना है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या करी। मेरी बेटी ने आत्महत्या क्यों करती? मेरी बेटी मासूम बच्ची, मेरी बेटी मासूम बच्ची क्यों बताओ आत्महत्या क्यों? वो तो घुस के उसने पैसा सारा उससे निकलवा के और उसको फांसी पर लगा के चला गया। क्या कुछ अब भी कुछ धमकी दे रहा आपको? अब भी धमकी देता है आके। क्या धमकी देता है? तुम अगर ऐसा कोई एक्शन उठाओगी या पुलिस में जाओगी तो तुम जान से मारी जाओगी, तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। अच्छा, जानना चाहेंगे क्या मामला था, आपकी बेटी किस तरह से मौत हुई, क्या हुआ? सर, बेटी को मारा गया है। किन लोगों ने मारा? सर, अफजल नाम का लड़का है, उसने मारा था। एक सर एक और था, दो लड़के थे। जब पुलिस ने क्या कार्रवाई करी इसमें? पुलिस ने कार्रवाई करी थी, ये बताया था हमको पकड़ के ले गए, तुम्हारे साथ जो है तो इंसाफ होएगा, घबराना मत कि तुम्हारे साथ इंसाफ होएगा। तो हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ है अभी तक। आपने मुख्यमंत्री पोर्टल पे DIG और तमाम पुलिस अधिकारियों को एप्लीकेशन प्रारंभ दिया, उसमें क्या कार्रवाई है? सर, हम अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है हमारी। हम सब जगह भटक गए जाते जाते, हमारी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप क्या मांग करना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से? सब मांग करना चाहता हूँ ये सजा दी जाए ज़्यादा से ज़्यादा। हम बहुत परेशान हैं, सब जगह थक गए हैंगे घूम घूम के। सब में ऐसे कतली को तो बख्शा नहीं जाए जैसे हमारी बच्ची को फांसी लगाई है, ऐसा ही हम फांसी मांग रहा हूँ, हमें फांसी चाहिए साहब। क्या नाम था आपकी बेटी का? अलीसा। भी उम्र कितनी थी? उम्र 11 साल। आप इन